अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आइए आज हम देखते हैं जमात पंजुम मज़मून है माहौल का मुतालिया। सबक है हमारे जज्बात की दुनिया। हमारे जज्बात की दुनिया, ये सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे जज्बात ही नहीं क्या, जैसे प्यारे बच्चों खुशी की खबर सुनने के बाद हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जैसे अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे मनपसंद खाना बनने के बाद हमारा मनपसंद खाना देखते साथ हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। जब हमें कोई मारता है हमें बहुत गुस्सा आता है, सही है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जज्बात है, ये नहीं कोई अच्छे काम के लिए अपने रिएक्शंस जो है या हमारा जो बिहेवियर है इसे हम जज्बात कहते हैं। कि कोई अच्छा काम हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे आदत के मुखालिफ या हम जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो कि उसके मुखालिफ होता है तो हमें नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है, ये होते हैं जज्बात। आज हम देखेंगे कि ये जज्बात की दुनिया। तो जैसे प्यारे बच्चों स्कूल में हम पढ़ते हैं, हमारी जमात में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग मिजाज के होते हैं, अलग अलग रंग के भी होते हैं, हर किसी की हरकतें भी अलग होती है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मिजाज के मुखालिफ कोई कुछ बोल देता है जिससे हमें क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। कभी हमें कोई सताने के लिए कुछ कर देता है जिसकी वजह से भी हमें गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा हमें आता है बच्चों, गुस्सा आना ये फितरी बात है, गुस्सा सभी को आता है, मगर ये जो गुस्सा आता है वो गुस्सा हमें कितना करना चाहिए। सामने वाले ने हमारे साथ जो किया, हमें सताया, तो क्या हमें भी उसको सताना चाहिए, क्या हमें बदला लेना चाहिए? अगर हाँ तो कितना लेना चाहिए? प्यारे बच्चों पहली बात तो हमें बदला नहीं लेना है। सामने वाले ने हमको सताया तो हमें उसे सताना नहीं चाहिए, मगर गुस्सा तो हमें आता है, ये तो फितरी बात है। तो हमें कितना गुस्सा करना चाहिए? हमेशा सामने वाले की गलती को जहन में रखकर उस पर गुस्सा और बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों जहां तक हो सके मजबूत नजरिया इख्तियार करो, सामने वाले की गलती को कम समझो और उसे दरगुजर करना शुरू करो। आप जब दरगुजर करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्से का तवाजुन जो है वो कम होते जाएगा। प्यारे बच्चों गुस्सा जो है वो इंसान की अक्ल को खा जाता है, इसलिए गुस्सा बहुत ही कम किया करो। उसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी पसंद की चीज देखने के बाद हमें उसे पानी की बेचैनी होती है, या फिर मार्केट में शॉप में कोई ऐसी चीज जो दिखा नजर आ रही हो और जिसके हमें जरूरत भी हो तो हमें उसके पाने की चाहत होती है। ये चाहत कितनी होनी चाहिए? हमें कोई चीज हासिल करने की जो बेचैनी होती है वो बेचैनी किस हद तक होनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों उसके लिए यानी कोई चीज अगर समझो 100 रुपए की है, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए है, तो क्या वो चीज हमें छीन के लेनी चाहिए या फिर हमें किसी से पैसे मांग के उधार मांग के वो चीज खरीदनी चाहिए? तो हमारे जो जज्बात है वो किस कदर होने चाहिए, यानी उसकी कोई लिमिट कहाँ तक है, उसकी हुदूद है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी जज्बात में हम आहंगी पैदा करना चाहिए। जब हमारे जज्बात में हम आहंगी पैदा हो जाएगी तब हमारी शख्सियत निखर के आएंगी। तो शख्सियत का जो इर्तका है वो किस पर है, हमारे जज्बात की दुनिया पर है। यानी जितने आप जज्बात को काबू में रखेंगे, गुस्सा है, प्यार और मोहब्बत है, पसंदीदगी है यानी किसी चीज़ को पसंद करना ये भी एक जज्बा है, गुस्सा करना ये भी जज्बा है, नाराज़गी जताना किस हद तक नाराज़गी जताना है ये भी एक जज्बा है। जैसे माँ के मारने पर कुछ देर के लिए माँ की सज़ा देने पर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो किस हद तक नाराज होना चाहिए? क्या माँ से नाराज होकर हम माँ से बदला लेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर जो है अपने हर जज्बे की एक लिमिट रखी हुई है। आप तालिबे इल्म में है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस हद तक गुस्सा, किस हद तक नाराजगी, किस हद तक प्यार और मोहब्बत जाहिर करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजों को जब आप तामुल में लाएंगे, यानी सभी चीजों को जब मुतवाजन लेंगे, तवाजुन में लेंगे, तब आपकी शख्सियत निखर के आएगी। उसी के साथ प्यारे बच्चों अपनी खामियों का एहसास।
हमेशा जहन में रखे कि हमें सबसे पहले अपने अंदर जो खामी है उसका एहसास होना चाहिए। हमेशा अपनी खामियों को छुपाकर सामने वाले की खामी को जाहिर करना ये बहुत ही गलत बात है। हमेशा अपनी खामी को पहचानो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो या कबूल करो कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। इससे क्या होगा, माफ़ी मांगने का जज्बा बढ़ेगा, यानी आपके मिजाज में खुलूस आएगा, इनकसारी आएंगी। तो हमेशा अपनी खामियों को देखो, खामियों को सिर्फ देखकर ये कि हाँ मुझ में ये खामी है, मुझ में ये खामी है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस खामी को मालूम करके छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। इस खामी को कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे कंट्रोल नहीं होता गुस्सा, इसको कंट्रोल करना सीखो। अगर शख्सियत को निखारना चाहते हैं तो इन जज्बात को काबू करना सीखो। गुस्सा है, गुस्से को कम करना सीखो। के लिए किसी किसी के मिजाज में बहुत झिझलाहट होती है या फिर बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो इसके लिए आप आपकी पसंद की किताबें पढ़ो, ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे खेलो, इससे जहनी और जिस्मानी दोनों वर्जिश होंगी। उसी के साथ प्यारे बच्चों खुले मैदान में खेलिए, किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए, अपनी पसंद का कोई चैनल देखिए कुछ देर के लिए, टीवी पे ही क्यों ना हो। उसी के साथ अपनी पसंद का कभी खाना बनाने के लिए कहिए, शौक से खाइए। जो भी खाना आपके सामने आता है प्यारे बच्चों उसे शौक से खाइए। उसी के साथ प्यारे बच्चों हमेशा जहन में रखिए, जज्बात जो है वो आपकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। जज्बात का तवाजुन में रहना बहुत ही ज़रूरी है।